ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टॉक कंजम्पशन। स्टॉक कंजम्पशन भाई साहब बात ना कर रहे हैं। उसके करवा रहा है क्या कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे पता लग जाएगा क्या आंसर क्या नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे उसे। डेढ़ बजे तक हुआ, डेढ़ बजे तक टेस्ट है, डेढ़ बजे तक कभी भी दे सकता है। कौन से? हाँ तो करा देंगे ना। आपने बताया भी है तो भैया दोबारा नहीं दे सकते ना। हाँ एक ही बार दे सकता कोई। हाँ तो वो पूछ पूछ के करेगा, वो तो अपने ऊपर है ना, फिर तो एथिक्स अपने ऊपर है। दो मिनट। स्टॉक स्टॉक किसी भी चीज का हो सकता है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ बुक्स, स्टॉक ऑफ एनीथिंग, तो कुछ इस तरीके से वो बनता है उसका फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ध्यान रखो जब भी आप कोई स्टॉक का सामान रखते हो, मतलब आपके दुकान पे भी कोई सामान आता है, तो आप या तो नकद खरीदोगे उसको या फिर उधार खरीदोगे। तो उधार खरीदने के लिए हमारे साथ बनता है क्रेडिटर, इसीलिए क्रेडिटर अकाउंट। तो चेक करें कि क्या होता है कि स्टॉक जब हम साल को चालू करते हैं तो कुछ हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है ना, स्टॉक हमारा असेट होता है, इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। और साल खत्म हो जाती है तो क्या आता होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसी को इस बात पे दिक्कत हुई? ओपनिंग जब इधर आएगा तो क्लोजिंग किधर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, अगर मैं किसी को एडवांस देता हूं तो मेरे लिए फायदा है या घाटा है, मतलब असेट है या लाइबिलिटी है? अगर आपने मुझे एक महीने की फीस तो दी, उसके साथ एक महीने की फीस एडवांस और दे दी, तो असेट है ना आपके लिए। और अगर आप फीस ना दो तो क्या हो जाएगी आपके लिए, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो मैं बोला हूं आपने किसी को एडवांस दिया तो असेट है या लाइबिलिटी है? तुम्हारे ऐप ही नहीं है तुम पे, वो तो कर दिया पर ऐप क्यों नहीं था, तो क्यों नहीं था तब से? अरे मम्मी को आने, मम्मी कॉमर्स ज्ञान में आ रही है चक्कर ने, ओहो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ओ सॉरी आउटस्टैंडिंग करंट ड्यू सबमिशन 2006 10,000 ऐसी हो रही है। क्या कहते हैं रितिका, वो चेक कर रही है कि यार एक डेटा भी नहीं खर्च हो जाए, यहीं पे आके डाउनलोड करा उसने। ओके तो रिचा तुम इतना लेट क्यों आई, तो वो तो तुम यहाँ पे आके दे सकती थी 1 से 10 तक। मेरी मम्मी पे तो व्हाट्सएप, अरे आप भी हो, आप हो, आ जाओ, बहुत सारी चेयर रखी हुई है इधर। आंदो भाई आंदो, वो कैफेटेरिया है, कभी भी कोई आया सब डाउनलोड कर ले।
चलो एनपीओ पढ़ रहे हैं, अब पढ़ क्यों रहे हैं, कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी तो बस घूमने आते हैं यहाँ पे, तो घूमने वालों के लिए वो सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वो मैसेजिंग भी कर सकते हैं, आई हैव नो इश्यू। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ धीरे बोल लिया, कोई बात नहीं, बातें कर सकते, एवरीथिंग इज अलाउड हियर। ठीक है चलो, स्टॉक, स्टॉक मतलब किसी भी चीज का स्टॉक हो सकता है, मेडिसिन का स्टॉक हो सकता है, इक्विपमेंट्स का स्टॉक हो सकता है, बुक्स का स्टॉक हो सकता है, किसी का भी स्टॉक हो सकता है। तो जब स्टॉक होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पे दिखाई देगा, इधर इधर, आवाज कम कर दो जिसकी भी है हमारे टीचर की, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है या एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है ना क्रेडिटर, सबको पता है ना, कहाँ पे पढ़ाई है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ, और अभी कितना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में कितनी बार क्रेडिटर को लाइबिलिटी में लिख आते हैं, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा होता है क्रेडिट, ये कहाँ पे पढ़ाया था, 11th क्लास में पढ़ाया था, नहीं पढ़े तो इधर से पढ़ सकते हो, असेट डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, और कैपिटल क्रेडिट। तो अभी क्रेडिटर अगर हमारा क्या कहते हैं लाइबिलिटी है, तो उसका बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस चालू होगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्या होगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस होगा। अपने नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब पे डालना है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, अब चालू होती है बातें आगे। आप स्टॉक खरीदने आ रहे हो, सपोज करो आपका किसी का भी काम है, तो आप उधार खरीदना पसंद करोगे या नगद खरीदना पसंद करोगे, नगद, उधार नगद, तो हम नगद दोनों तरफ से खरीद लेते हैं, पहले नगद खरीद लेते हैं, गुडविल बनाते हैं, फिर उधार खरीदेंगे। ठीक है ना, उधार किसको दिया जाता है, जो पहले नगद में खरीदता, शुरुआत से उधार नहीं दिया जाता किसी को। तो हमने कुछ चीज वो स्टॉक परचेज किया, तो टू कैश, इसको क्या बोलेंगे हम, कैश परचेज, इसको क्या बोलेंगे हम, कैश परचेज। अब आपने क्या खरीदा है, कैश परचेज को बोलेंगे, ये टू कैश, और स्टॉक खरीदा है, कैश परचेज मतलब कैश में खरीदा है, कहने का मतलब ये। अब आगे चालू होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर को आप कुछ पेमेंट करते हो कि भाई पहले का निकल रहा था ये ले, फिर और उधार दे, ऐसे तो करते हैं क्रेडिटर को, उधार पहले पेमेंट दे दो उसको कुछ, फिर माल ले लो, ऑर्डर लगा लो, तो पहले पेमेंट करते हैं, तो उसको पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने से क्रेडिटर बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं भाई, कम, तो टू बैंक या टू कैश कुछ भी ले सकते हो, पेमेंट मेड। एक सेकंड रुक लिया क्या, अब चेक करो, सपोज करो ये इतना ही फिगर्स आएगी, तो मैं ये दे रखा होगा क्रेडिटर में, ये दे रखा होगा क्रेडिटर में, ये दे रखा होगा क्रेडिटर में, अब क्या होता है, ये अगर 10 रुपए है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 8 रुपए है और यहाँ पे 4 रुपए है, तो टोटल करोगे तो यहाँ पे कितना आया, 12, तो इसका भी कितना आना चाहिए, 12, ऊपर कितना है, तो कितने की कमी है, तो 2 लिख दूं मैं यहाँ पे, पर इस 2 को बोलेंगे क्या, बाय परचेज, कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, यही निकालना है तुम्हें, यही निकालना है।
इसको बाय परचेज की जगह पर ढंग से नाम लिख दो, बाय स्टॉक लिख दो, क्रेडिट परचेज बोलते ना, बाय स्टॉक, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मतलब उधार, उतार लो उसको पहले, क्रेडिट परचेज। अब ये जो क्रेडिट परचेज है ये यहां पे आ जाएगी टू क्रेडिटर के नाम पे, इसको बोलेंगे क्रेडिट परचेज। जब मैं ऐसे काम करता हूँ तो मुझे, मैं अपने आप को आयरन मैन समझने लगता हूँ, आयरन मैन में तो ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है चलो, अब सपोज करो, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो 10 रुपए का बैलेंस होता, यहाँ 8 रुपए का होता, यहाँ 5 रुपए का होता, तो डेबिट का टोटल कितना आया, इसका भी कितना होना चाहिए 18, ऊपर कितना है 5, तो कितने की कमी है 13, तो 13 लिख दूं मैं, इसको बोलते हैं बाय स्टॉक कंज्यूम्ड, यही चीज निकालनी थी, बाय स्टॉक कंज्यूम, ये आपका एक्सपेंडिचर साइड जाता है, ये आपका एक्सपेंडिचर साइड जाता है, तो वो पता लगता है क्रेडिट परचेज निकलती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, ज्यादातर आपको वो साइड नहीं, फिर भैया हमें समझ में नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन करके देख लेते, उस क्वेश्चन से मैं सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, मेक इट क्लियर, आपकी बुक का 26 क्वेश्चन है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का 1 लाख है, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिटर का 90,000 है, कैश परचेज 3 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख है मेडिसिन का, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर का 1,30,000। इसको करके दिखाए, कुछ नहीं करना, स्टॉक का अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 1,00,000। बाई बैलेंस ब्रॉट कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है इसका? 1,50,000। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस कितने का दे रखा है इसका क्रेडिटर का? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस? 1,30,000। चेक करो कैश परचेज, कैश परचेज तो यहाँ पे आती है ना, टू कैश कितने रुपए? 3,00,000 के। एक बार चेक करते हैं, देखो इधर देखो, यहाँ पे 1,30,000 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? यहाँ पे टू बैंक के बारे में कुछ बेटा आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, पेमेंट तो करना ही नहीं ना कुछ भी, मतलब क्रेडिटर को कोई पेमेंट नहीं किया ना, किया होता तो लिखा हुआ रहता, नहीं दिया तो हम क्या अपने आप ही लिख दें कुछ भी? नहीं ना, हम इसको बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग करी तो 1,30,000, 1,30,000 है, 90,000 में से 30,000 के तो कितना आंसर आया? तो ये क्या चीज है? बाय स्टॉक। ये क्या है? क्रेडिट परचेज। टू स्टॉक टू क्रेडिटर कितना? 40। चेक किया मैंने, 4,40,000, 1,50,000, 2,00,000, 2,00,000 या 3,00,000, सॉरी 4,40,000, 3,90,000 आएगा, 2,90,000 आएगा, 2,90,000। तो 2,90,000 क्या है मेरा? बाय स्टॉक कंज्यूम, बस यही निकालना होता है। अब आंसर पीछे दे दिए हैं, ये बड़ा कभी कर दिया लोगों ने। एक जना कैलकुलेटर निकाल लो, तुम लोग निकालना कोई भी। लिखना 12,000 प्लस 1,40,000 माइनस 23,200 आंसर 120 ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्रेडिटर अकाउंट को थोड़ा सा मैं तब तुम लोगों ने लिख दिया था इसीलिए मैंने थोड़ा रोक दिया कि चलो अब लिख दिया तो लिख दिया। क्रेडिटर अकाउंट में कभी कभार एडवांस भी दे देते हैं हम लोग, क्या दे देते हैं? पर्टिकुलर, अगर आपके इस जगह हो तो ठीक है, नहीं हो तो ऐसे कर देना, पर्टिकुलर अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो यहाँ पे आता ही है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता ही यहाँ पे, कैरी डाउन ये ओपनिंग बैलेंस है,
ये क्लोजिंग बैलेंस है, अरे सॉरी 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 जल्दबाजी में, यहाँ पे बाय और यहाँ पे टू, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी यहां पे भी आएगा, इसको बोलेंगे ओपनिंग ऑफ एडवांस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कभी एक आध क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ एडवांस। क्लोजिंग ऑफ एडवांस, टू बैंक ये पेमेंट था, बाय स्टॉक क्रेडिट परचेज, बाकी सब कुछ सेम है। ये उतार लो तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद से कल से हमारा वो चालू हो जाएगा, मतलब ये कल संडे है क्या? हाँ। पढ़ोगे क्या? पढ़ा दो क्या संडे एक आध घंटा? एनपी पढ़ा देना है। पढ़ा देते हैं, चलो एक घंटा पढ़ा देते हैं। किस किस को मरी पड़ गई? मरी 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 मतलब मरी देते हैं, हमारे पापा दे देते हैं कभी कभी, जब अभी कभी कोई डील निकल रही हो, कोई कॉमन सामान सस्ता मिल रहा हो, आज ही के लिए सस्ता मिल रहा है, तो वो बोलेगा कि भैया पहले का ड्यू जो है वो बकाया कर दो, उतार दो और एडवांस और दे दो कुछ चीज, कल तक आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा तो दे देते हैं एडवांस। कोई क्रेडिटर को तो एडवांस दोगे ना, जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल, ये लिख लिया उतार लिया, देखो सपोज करो मैं किसी से जेके सीमेंट लेता हूँ और उस पे मेरा 1,00,000 रुपए मैं उस पे हमेशा क्या रख रहा हूँ, उधार उधार रखता हूँ, उधार मतलब क्रेडिट पे लेता हूँ, तो मेरा क्रेडिटर बना रहेगा ना हर बार। एक डील आई जिसमें मुझे कहते हैं 10 रुपए का फायदा हो रहा है और मैं अगर 1,000 कट्टे ले लेता हूँ तो कितने रुपए का फायदा हो गया? 10,000 रुपए का फायदा हो गया। क्रेडिटर ने एक शर्त रख दी कि मैं तभी मतलब माल दूंगा 10 रुपए सस्ता जब आप पहले का पेमेंट दे दो और कुछ एडवांस। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, करना चाहते हैं तो कर देते हैं। हमने कभी पहले पेमेंट दे दो, उसका पूरा पेमेंट उतार दिया मैंने 1,00,000 रुपए का, साथ के साथ उसको 2,00,000 रुपए एडवांस दे दी। ये वाला तो पुराना उतारा और ये 2,00,000 रुपए तो उसके दिए जो अभी तक माल मेरे पास में आया नहीं है, 2, 4, 5, 6 दिन के अंदर आएगा तो उसको एडवांस देते हैं। अब उसको क्रेडिटर ही बोलेंगे क्योंकि क्रेडिटर सीधे बोलेंगे क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद में दोबारा से उधार चालू हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख का माल ले लूंगा ना मैं तो उसको बेच दूंगा, फिर मैं उससे उधार माल मांगू तो मैं उसको 1 लाख का माल मांगू तो 50,000 ही दूंगा, वो क्रेडिटर के अंदर ही रहेगा। तो क्रेडिटर को कभी कभार ज्यादा पैसा भी चला जाता है कभी आता है, पर ऐसा जिंदगी में होता ही नहीं है। चलो बिजनेस का एक ही रूल है कि अभी अपने पैसों से व्यापार ना करें। क्यों? विजय माल्या वाला जितने भी थे, विजय माल्या वाज अ गुड पर्सन, बट वो विजय माल्या रहा, नीरव मोदी रहा, इन लोगों ने जो डिसीजन ले लिए ना गलत, उसकी वजह से ये डूब गए। जो सहारा वाला था वो तो अपने आप को भगवान समझता था, सहारा जानते हो सहारा, सहारा जो जर्सी पे लिखा हुआ था वो अपने आप को भगवान समझता था, बोलता था कि मतलब उसको थोड़ा वैसा ही सीन था कि वो अपने आप को वो दूसरों से पैर छुलवाना जानता था वैसे। पर नीरव मोदी वॉज अ वेरी गुड पर्सन, उसके कुछ डिसीजन गलत हो गए, उसको लेट हो गए। ही वॉन्टेड के उसका जो नीरव मोदी जो ज्वेलरी है वो इंटरनेशनल ब्रांड बन जाए बहुत बड़े लेवल का। आ रहे ना आप? देखो अभी ये तुम्हारा क्वेश्चन करने लायक हो, इसके बाद तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो।
और ये वाले पे क्वेश्चन आते हैं। करो तुम्हारा दिमाग यूज टू होगा कि ये ओपनिंग है, ये पेपर में आएगी, ये क्लोजिंग है, ये वाली डेट हुआ वो यहाँ से, तो दिमाग को सतर्क कर देंगे क्वारंटाइन कर देगी जबरदस्ती, ऐसा कुछ सुनने में आया साउथ में जो हम प्लेन टी शर्ट पहनते ना व्हाइट व्हाइट, दस दस पंद्रह पंद्रह और अरे क्वेश्चन तो मैंने कॉल पे लगाया तो कॉल का कैसे आंसर है, पेमेंट टू सप्लायर राइटर को पेमेंट है, टू बैंक या टू बैंक के पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर मतलब पेमेंट किया पे ओके है टू बैंक का के कौन से देश होना हम तो ये कह रहे थे कि दाल हटानी हो तो दाल हटा देना हमारी, फिर हमने एंड में सब कुछ उसी पे कर दिया था।
अरे करवा दो अबे कौन से नशे उसी में आते हो तुम लोग? अबे यार इतना इजी सा क्वेश्चन नहीं कर पाए तुम लोग? ले हाँ ये एडवांस का ओपनिंग है, वो एडवांस का क्लोजिंग है। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ अकल लगाने की जरूरत नहीं है, तो जगह जगह आउटपुट कर देना, उसको कोई मतलब नहीं है, नहीं करना कुछ, बस सब मतलब है पेमेंट ऑफ द सप्लायर, बस इतना याद रखना है, आगे का कुछ है ही नहीं है। करूं मैं देखो अब मैं ना थोड़ा जल्दबाजी वाला क्वेश्चन करूंगा, इजी वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन 4800 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन ये स्टॉक है ये क्रेडिटर है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस का ओपनिंग लिखो 11000 बाय बैलेंस कैरी डाउन एडवांस का क्लोजिंग लिखो 19000 फिर क्या बोला हुआ सारी चीजें टल चुकी है ना। फिर बोला पेमेंट टू द सप्लायर टू बैंक सप्लायर को पेमेंट किया हुआ है 1,02,000 का ऐसे किया यही किया है। अरे देख एक बार कैसे दूं स्टॉक का ओपनिंग लिख दिया यहाँ पे स्टॉक का क्लोजिंग लिख दिया यहाँ पे क्रेडिटर का ओपनिंग लिख दिया क्रेडिटर का क्लोजिंग लिख दिया क्रेडिटर का एडवांस लिख दिया ओपनिंग का एडवांस दे रखा देख एडवांस क्लोजिंग लिख दिया और ये लिखा हुआ पेमेंट टू सप्लायर का मतलब क्या हुआ मुझे इतना बता दो। क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर अकाउंट में आएगा या स्टॉक अकाउंट में आएगा क्रेडिटर अकाउंट में लिख दिया बस हो गया क्वेश्चन। अब बैलेंसिंग करनी है किसी ने बैलेंसिंग निकाली थी ये टोटल ये टोटल 1,20,000 आ रहा है क्या पागल वागल हो रहे नशे वशे में हो 200 बोलो ना 1,20,000 सुनाई दे रहा है मुझे 1,20,200। अब इसका टोटल करके जो माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा बाय स्टॉक कितना ये क्रेडिटर वो है क्रेडिट परचेज 2 क्रेडिटर कितना 9,491,400 कितना है इसका टोटल 97,600 इसका बैलेंसिंग फिगर निकल गया बाय स्टॉक कंज्यूम 92,800 यही आ रहा सर उसे ही निकालना था।
ठीक है, आप एक आखिरी क्वेश्चन और करें एंड खत्म करते हैं। 32 अपनी बुक का, अभी कुछ नहीं करना बेटा। अपनी बुक का 32 32 में ये जो बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन दे रखा है, देखो भाई किन में बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन जो दे रखा है, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बेटा। 32 बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन जो दे रखा है वो 1.5 लाख रुपए है। बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन जो दे रखा है वो 1.5 लाख रुपए। ये कहां पे आएगा बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन, बताना। मैंने मेडिसिन का पेमेंट दिया, कैश परचेज, कैश परचेज जब भी आपका अकाउंट है, ध्यान रखो जब भी पेमेंट फॉर मेडिसिन बोला जाए तो वो कैश परचेज है, और जब भी क्या कहते हैं पेमेंट टू सप्लायर बोला जाए तो क्रेडिटर अकाउंट में टू बैंक करके आएगा वो। बताओ ना कितनी जल्दी हो गया, मैं दोबारा बताना। पेमेंट फॉर मेडिसिन, जैसे पेमेंट फॉर मेडिसिन दे रखा है, ये हो गई हमारी कैश परचेज। अगर लिखा रहता पेमेंट फॉर सप्लायर तो ये क्या कहते क्रेडिटर में टू बैंक करके आता। पचास डेढ़ 2 लाख माइनस 75,000, 75,000, 40,000 का इलेक्ट्रॉनिक पड़ा, 1,40,000, 40,000, 25,000, 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 25,000
अहमदाबाद में दोबारा भी कुछ नहीं होने तो ऑनलाइन उतरना बहुत जरूरी है।
पिताश्री। हाँ पापा, किसको? हाँ 30 से 35 बताई थी, 35 बताई थी शायद। हाँ अभी ने तो बोला था 30 लगा या 35 लगा देना, गदर को 80 और 85। तो कॉल 80 बताए होंगे पापा, 80 80। सीमेंटो अपनी 70 बताई थी। करूं उस क्वेश्चन को, करूं? कैसे आ रहा है 155? मल्टी फाइनेंस करने में भी गलती कर रहे हो। देखो ये इस तरीके से दिख रहा होगा। अब आपने मेडिसिन परचेज करी है तो 2 कैश 1.5 लाख। पहले सबसे पहले नीचे वाले को क्लोज करो, 60,000। इधर भी 60,000, 20,000 हमारे बैलेंस आ गया। बाय स्टॉक, इसका मतलब और ये जो आप कर रहे हो ना, इसके कोई मार्क्स नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, वर्किंग नोट है ये। अगर आप जुबानी मुंह जुबानी भी निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, कोई मार्क्स नहीं है। अगर मैं ऐसे करके ऐसे अगर रफ कॉलम में ना ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे समझ कर ना कि मुझे पता है 2 बैलेंस है तो मैंने 50 1 1.5 ऐसे करा, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। वर्किंग नोट है ये कोई पेपर का पार्ट थोड़ी है ये। अरे ये केवल वो निकालने के लिए, बताऊंगा मैं कैसे आएगा, पूरा एक ही क्वेश्चन आएगा जो हमने वो पढ़ते थे पहले। अरे नहीं वो भी ऐसा नहीं आएगा, उसको भी वो जो तुमने वो जो प्लस माइनस है वो नहीं दिखाना कहीं पे भी। हाँ वो पहले हमने वो सीखा था, वो ट्रायल बैलेंस ऑफ पीएनएल, सेम क्वेश्चन है वो, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। ये तो हम बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि आएगा क्या, अभी तक तो चालू नहीं हुआ जो पढ़ना है एक्चुअली। हैं यही निकालना था, बस खत्म हो गया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अटेंडेंस टाइम, अटेंडेंस हम दूसरी क्लास में लेंगे ताकि हम बोलो बच्चों उतार लिया। हाँ उतार लिया, हटा दूं।